السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मेरी आवाज आ रही तमाम तालिबात को? अच्छा, ये बेस्ती जेवर निकाल लें। ये महर का बयान हमने पढ़ लिया था या महर का बयान यहां से ही पढ़ना है? अच्छा, महर का बयान पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अल्लाह अकबर कबीरा والحمد لله كثيرا। بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي, رب زدني علما, اياك نعبد واياك نستعين, سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم, وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد, يا عليم علمني, يا عليم علمني, يا عليم علمني। महर के हवाले से इब्तदाई जो बातें थी वो हमने पढ़ ली थी, मसला नंबर एक ये भी पढ़ लिया था, मसला नंबर दो भी पढ़ लिया था, और अब हमने मसला नंबर सात से पढ़ना है, ठीक है। महर की कम से कम मिकदार वो आपको बता दी थी, ज्यादा से ज्यादा मिकदार की कोई हद नहीं है, ठीक है। मसला नंबर सात, अगर निकाह के वक्त महर का बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया, निकाह के वक्त महर का जिक्र ही नहीं किया गया कि कितना है, महर का जिक्र ही नहीं हुआ कितना है, या इस शर्त पे निकाह किया कि बगैर महर के निकाह करता हूं, इस शर्त पर निकाह किया कि बगैर महर के निकाह करता हूं, कुछ महर ना दूंगा, कुछ महर नहीं दूंगा, फिर दोनों में से कोई मर गया या वैसे तन्हाई व यकजाई हो गई जो शरा में मोतबर है, इसको खलवत कहते हैं, खलवत सहीहा। क्या लफ्ज बोलना है? तन्हाई वगैरह को खलवत सहीहा, आगे वैसे पढ़ेंगे भी कि खलवत सहीहा की तारीफ क्या है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? खलवत सहीहा, शरीयत में जो मोतबर है इसको खलवत सहीहा कहते हैं। खलवत का माना होता है तन्हाई, वैसी तन्हाई और यकजाई हो गई जो शरा में मोतबर है, तब भी महर दिलाया जाएगा और इस सूरत में महरी मिसल देना होगा, इस सूरत में महरी मिसल देना होगा, महरी मिसल की वजाहत आगे आ जाएगी। तो मसला नंबर सात में पहली बात क्या बताई कि निकाह करते वक्त महर का बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया था कि कितना है, एक सूरत हो गई। दूसरी सूरत ये कि इस शर्त पे निकाह किया था कि बगैर महर के निकाह करता हूं, कुछ महर नहीं दूंगा, ये सूरत हो गई थी निकाह के वक्त। अब फिर उन दोनों में से कोई एक मर गया, शोहर मर गया या बीवी मर गई, या उन दोनों में ऐसी तन्हाई और यकजाई हो गई जो शरा में मोतबर यानी खलवत या सही हो गई, तब महर दिया जाएगा। तब क्या किया जाएगा? बीवी को महर दिया जाएगा, दिलाया जाएगा, और इस सूरत में महर महरी मिसल देना होगा। इस सूरत में क्या होगा? महरी मिसल जो है वो दिलाना होगा। महरी मिसल क्या है वो इंशाल्लाह वो आपको बता देंगे। ये बात हो गई। दूसरी बात, अब ये एक एक सूरत तो ये हो गई थी कि बीवी मर गई, महर किसे मिलेगा? बीवी मर गई, उसका महर जो है वो रसा में तकसीम किया जाएगा, उसके जो शरीक वो रसा है उसमें उनमें तकसीम किया जाएगा। ये तो पहली सूरत थी कि दोनों में से कोई मर गया या खलवत सही हो गई। अब दूसरी सूरत बता रहे, और अगर इस सूरत में वैसी तन्हाई से पहले मर्द ने तलाक दे दी, खलवत सही नहीं हुई थी, तन्हाई नहीं हुई थी, शोहर ने तलाक दे दी, तो अब महर पाने की मुस्तहिक नहीं है। अब इस सूरत में महर
पानी की मुसाइक नहीं है बल्कि फकत एक जोड़ा कपड़ा पावेगी और ये जोड़ा देना मर्द पर वाजिब है, ना देगा तो गुनहगार होगा। मसला क्या था कि वह मेहर का जिक्र ही नहीं किया था या निकाह इस शर्त पे किया कि कोई मेहर नहीं दूंगा। अब इस सूरत में अगर उन दोनों में से कोई एक मर जाता है या उनमें खलवत सहिया हो जाती है तब महर मिसल देना होता है। दूसरी सूरत ये बनती है कि अगर खलवत सहिया नहीं हुई थी, उनमें तन्हाई नहीं हुई थी, उससे पहले शोहर ने तलाक दे दी तो अब महर नहीं मिलेगा। अब महर नहीं मिलेगा, अब सिर्फ एक कपड़ा, एक जोड़ा कपड़ा दिया जाएगा और ये मर्द पे वाजिब है, नहीं देगा तो गुनहगार होगा। ये मसला नंबर कौन सा है? मसला नंबर 7 की वजाहत। मसला नंबर 7 की वजाहत उम्मीद करता हूँ समझ आ गई हो। मसला नंबर 7 की समझ आ गई सबको? आगे चलें। एक मतलब दोबारा रिपीट कर देता हूं। मसला नंबर 7 में यह बयान हुआ कि अगर निकाह के वक्त महर का जिक्र नहीं किया कितना है, या इस शर्त पे निकाह किया गया कि महर नहीं होगा, बगैर महर के निकाह करता हूं, इन दोनों में से फिर अब कोई एक मर गया या उनमें खलवत सहिया नहीं हुई, यानी उनमें ऐसी तन्हाई नहीं हुई जो शरण मोतबर है, तो ऐसी सूरत में खातून को महर मिलेगा और उसे महरी मिसल दिया जाएगा। दूसरी सूरत यह कि अगर तन्हाई से पहले, खलवत सहिया से पहले इस सूरत में शोहर ने तलाक दे दी तो अब महर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक कपड़ा दोनों, एक कपड़ा जोड़ा जो है वो शोहर पे देना लाजिम होगा। ठीक है। मसला नंबर 8, जोड़े में फकत 4 कपड़े मर्द पर वाजिब हैं। जोड़ा जो एक कपड़ा जोड़ा जो दिया जाएगा क्या क्या चीजें होंगी उसकी वजाहत करें। फकत 4 कपड़े मुराद वाजिब है, एक कुर्ता, एक सरबंद यानी ओढ़नी, एक पाजामा या साड़ी, जिस चीज का दस्तूर हो, जिस तरह यानी मुकम्मल जो सूट होता है, मुकम्मल जो एक सूट होता है वो दिया जाएगा, एक बड़ी चादर जिसमें सर से पैर तक लपट सके, इसके अलावा और कोई कपड़ा वाजिब नहीं है। अब ये कौन से ब्रांड का होना चाहिए, कौन सी कंपनी का होना चाहिए? 2000 का भी मिलता है, 3000 का भी मिलता है, 10000 का, 20000 का भी मिलता है, मुख्तलिफ कीमतें हैं। अब कौन सा दिया जाए? मसला नंबर 9 में बयान किया इसको, मर्द की जैसी हैसियत हो वैसे कपड़े देना चाहिए, मर्द की हैसियत के मुताबिक वो कपड़े देगा। अगर मामूली गरीब आदमी हो, मामूली या गरीब आदमी है तो सूती कपड़े उस जमाने में बहुत सस्ते होते थे, ठीक है, तो आज के हिसाब से जो सस्ते कपड़े होंगे। और अगर बहुत गरीब आदमी नहीं है लेकिन बहुत अमीर भी नहीं है तो टसर के ये भी कोई कपड़े थे उस जमाने के, मुतवसित समझे जाते थे, ठीक है, दरमियाना और मुतवसित दर्जे का शोहर है तो। और जो बहुत अमीर कबीर हो तो आमदा रेशमी कपड़े देना चाहिए, ठीक है, यानी आला किस्म के कपड़े हो। लेकिन हर हाल में ये ख्याल रहे कि इस जोड़े की कीमत महरी मिसल के आधे से ना बढ़े, महरी मिसल जो होता है उसके आधे से ना बढ़े, और एक रुपया और छह आने यानी 1 रुपया और 1 चवन्नी और दूनी भर चांदी के जितने दाम हो उससे कम कीमत भी ना हो। यानी बहुत कीमती कपड़े जिसकी कीमत महरी मिसल के आधे से बढ़ जाए मर्द पे वाजिब नहीं, अगर अपनी खुशी से वो देना चाहे तो वो दे सकता है, अपनी खुशी से वो देना चाहे वो दे सकता है। इसी तरह बहुत हल्के कपड़े भी ना हो, क्या हो, बहुत हल्के कपड़े भी ना हो जिसकी कोई कीमत ही ना हो, यानी 10 दराहिम जो है उससे कम कीमत की हो, इतने भी ना हो, ठीक है। आगे चलें। मसला नंबर 10,
जी, जिनको कुछ कुछ समझ आ रही वो 3 मरतबा जब पढ़ लेंगे इंशाल्लाह मुकम्मल समझ आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने कहा था पहले एक मरतब मुताला करके आ जाया करें, तो समझने में आसानी होती है। मसला नंबर 10 देखें, मसला नंबर 10, निकाह के वक्त तो कुछ महर मुकरर नहीं किया गया, निकाह के वक्त कुछ महर मुकरर नहीं किया। ठीक है, निकाह के बाद, निकाह हो चुका है, निकाह के बाद मियां बीवी दोनों ने अपनी खुशी से कुछ मुकरर कर लिया। दोनों ने क्या किया, निकाह के बाद अपनी खुशी से कुछ मुकरर कर लिया, तो अब महरी मिसल ना दिलाया जाएगा, यानी अब महरी मिसल नहीं मिलेगा, बल्कि दोनों ने अपनी खुशी से जितना महर मुकरर किया है वही दिलाया जाएगा। ये मसला नंबर 10 में क्या बयान हुआ कि निकाह की वो तो कुछ मुकरर नहीं हुआ, या निकाह की वो तो यही शर्त थी कि महर नहीं दूंगा, लेकिन निकाह के बाद मियाँ बीवी ने दोनों ने बाहमी रजामंदी से एक मकदार मुकरर कर ली, तो अब महरी मिसल नहीं मिलेगा, बल्कि दोनों ने अपनी खुशी से जितना महर मुकरर किया है वही दिया जाएगा। अलबत्ता अगर वैसी तन्हाई और यकजाई होने से पहले ही तलाक मिल गई, यानी खलवत सैया से पहली तलाक मिल गई, तो इस सूरत में पहर महर पाने की मुस्तहक नहीं है, बल्कि सिर्फ वही जोड़ा कपड़ा मिलेगा जिसका बयान ऊपर हो चुका है। ये महरी मिसल के बारे में मैंने आपको बताया, सबर करें, महरी मिसल की वजाहत आ जाएगी। ठीक है, ये लड़की के वालिद की तरफ से जो रिश्तेदार है, वालिद की तरफ से रिश्तेदार ख्वातीन को जो महर नॉर्मली दिया जाता है वो महरी मिसल कहलाता है। ये इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे महरी मिसल के बारे में। तो मसला नंबर 10 में ये बात बयान हुई कि शिरों में महर मुकर्रर नहीं हुआ था, बाद में मियाँ बीवी ने बाहमी रजामंदी से मुकर्रर कर लिया, तो अब जो है जितना मुकर्रर किया वही दिया जाएगा, महरी मिसल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऊपर तो हमने पढ़ा था कि अगर मुकर्रर ना किया हो तो महरी मिसल मिलता है, तो यहाँ पे भी जो मुकर्रर किया बाद में वही वो दिया जाएगा, लेकिन दूसरी सूरत पे रागी बयान कर दी कि अगर खलवत सैया से पहले तलाक हो गई, इस सूरत में खलवत सैया से पहले तलाक हो गई, तो अब महरी मिसल नहीं, कुछ भी महर नहीं मिलेगा, बल्कि एक जोड़ा कपड़ा दिया जाएगा जैसे ऊपर था। मसला नंबर 11, 100 रुपए या 1,000 रुपए अपनी हैसियत के मुवाफिक महर मुकरर किया। ये आज के जमाने के 100 रुपए नहीं है, ये 100 रुपए या 1,000 उस जमाने में काफी ज्यादा बनते थे। ठीक है, आज के जमाने में 100 रुपए या 1,000 रुपए महर मुकरर करना जायज नहीं है, ये कम है, 10 दराहिम से कम है, तकरीबन 5,000 4,000 के आसपास कम से कम वो हो। ठीक है, तो ये 100 रुपए से मुराद 1 लाख रुपए है, हम फर्क करते हैं 20,000 है या 1 लाख रुपए अपनी हैसियत के मुआफिक महर मुकरर किया, फिर शोहर ने अपनी खुशी से कुछ महर और बढ़ा दिया और कहा कि हम 100 रुपए की जगह 150 रुपए देते हैं, 1 लाख रुपए की जगह 150 रुपए देंगे, तो जितने रुपए ज्यादा देने को कहे वो वाजिब हो गए,
जितने ज्यादा देने को कहे वो वाजिब हो गए, नहीं देगा तो गुनहगार होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि महर मुकरर हुआ था 100 रुपए या 1000 रुपए, लेकिन शोहर ने अपनी खुशी से महर बढ़ा दिया कि 100 रुपए की जगह हम कितने देंगे, 150 रुपए। अब ये जितने ज्यादा मुकरर किए हैं वो देना वाजिब होगा, नहीं देगा तो गुनहगार होगा। लेकिन इसी की दूसरी सूरत, अगर वैसी तन्हाई व यकजाई से पहले तलाक मिल गई, यानी खलवत सैया से पहले तलाक मिल गई, तो जिस कदर असल महर था उसी का अदा दिया जाएगा। असल महर था 100 रुपए था या 1000 था, ये 100 रुपए का अगर हो तो 50 रुपए और 1000 रुपए तो 500 रुपए, उसका अदा दिया जाएगा। असल महर ये था, ये जो बाद में बढ़ाया है उसको शुमार नहीं करेंगे, बाद में बढ़ाया था उसको शुमार नहीं करेंगे। ठीक है, बाद में जो बढ़ाया गया उसको शुमार नहीं करेंगे। इसी तरह औरत ने अपनी खुशी और रजामंदी से अगर कुछ महर माफ कर दिया तो जितना माफ किया उतना माफ हो गया, और अगर पूरा माफ कर दिया तो पूरा महर माफ हो गया। अब उसके पानी की मुस्तहिक नहीं है, अब उसके पानी की मुस्तहिक नहीं है। तो मसला नंबर 11 से दो मसले हमें समझ में आ गए। एक मसला ये कि अगर महर मुकरर किया था और खलवत सैया से पहले शोहर तलाक दे दे तो जितना महर मुकरर किया उसका आधा जो है वो देना होता, निस्फ महर आधा महर देना होता, लाजिम होता। दूसरी बात ये समझ आ गई कि जितना महर मुकरर किया अगर शोहर ने अपनी रजामंदी से उसको बढ़ा दिया और खलवत सैया से पहले तलाक हो गई, तो अब जितना महर मुकरर किया था उसी का आधा दिया जाएगा, जो बढ़ाया गया उसको शामिल करके उसका आधा नहीं दिया जाएगा। इसी तरह अगर खातून ने माफ कर दिया, कुछ माफ किया या पूरा माफ किया, तो अब उसका महर माफ होगा, वो उसको महर नहीं मिलेगा। मसला नंबर 12, अगर शोहर ने कुछ दबाव डाल के धमका कर दिख करके माफ करा लिया, जबरदस्ती माफ करा लिया, तो इस माफ कराने से माफ नहीं हुआ, अब भी उसके जिम्मे अदा करना वाजिब है। अब भी उसके जिम्मे महर अदा करना क्या है, वाजिब है। मसला नंबर 13, महर में रुपया पैसा सोना चांदी कुछ मुकरर नहीं किया, सोना चांदी रुपया पैसा मुकरर नहीं किया, बल्कि कोई गांव या कोई बाग या कुछ जमीन मुकरर हुई तो ये भी दुरुस्त है। जो बाग वगैरह मुकरर किया वही देना पड़ेगा। महर में जमीन वगैरह भी दी जा सकती है, कोई सामान भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये मसला नंबर 13 समझ में आ गया। कल इंशाल्लाह मसला नंबर 14 से पढ़ेंगे। अब अगर आप में से किसी ने सबक से मुतालिक कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। जी पूछना है किसी ने? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी उस्ताद जी, मैंने ये पूछना था कि ये पहला लेसन है मेरा। एक्चुअली मैं पहले इवनिंग की क्लासेस लेती रही हूँ, जॉब करती थी। अब ये जॉब छोड़ी है तो मॉर्निंग की क्लास ले रही हूँ। इससे पहले क्या करवाया गया वही चीज़ें का? इससे पहले हमने ये जो हमने स्टार्ट लिया है हिस्से चारों से स्टार्ट लिया है इसका। ये किताब आपको नजर आ रही होगी, ये किताब उन निकाह निकाह का बयान जो है, यहाँ पे हम यहाँ से हमने स्टार्ट लिया निकाह का। मेरे पास जो किताब है आपको सामने नजर भी आ रही होगी, इसमें ये सफा नंबर जो बनता है 274, 274, यहाँ से हमने स्टार्ट ठीक लिया है। बाब अव्वल निकाह का बयान, बाब दोम जिन लोगों से निकाह करना हराम है उनका बयान, बाब सोम वली का बयान, फिर उसके बाद हमने बाब चारुम कौन कौन लोग अपने बराबर के और अपने मेल के और कौन बराबर के नहीं है, और इस तरह नसब में बराबरी का बयान, मुसलमान होने में बराबरी का बयान, फिर महर का बयान, ये बाब पंचों में हमने स्टार्ट किया है और अब मसला नंबर 14 तक पढ़ लिया। ये मसला नंबर 13 तक पढ़ लिया, कल इंशाल्लाह मसला नंबर 14 से पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ साथ में तालीम उल इस्लाम जो है उसके मुताले करने को मैंने बताया था। तालीम उल इस्लाम
मुताला करने को मैंने बताया, ये पहला हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तालीमुल इस्लाम का पहला हिस्सा जो है ये मुकम्मल हो गया। पहला हिस्सा, पहले हिस्से में जो है ये तकरीबन इस्लाम क्या सिखाता है, ये पहला सवाल है, यहाँ से स्टार्ट होता है और नमाज के बाद का वजीफा ये पहले हिस्से में ही है ना। ये जिन्होंने मुताला नहीं किया वो भी मुताला कर ले, इसका मैं पेपर एक लूंगा, ठीक है, पहले हिस्से का एक थोड़ा सा पेपर लूंगा आपसे। तो उस्ताद ये जो बहिश्ती ज़ेवर का पेपर है ये किस तरह आता है, एमसीक्यूज़ में आता है या ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं? ये इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा, अभी मैं पेपर लेना शुरू करूंगा साथ साथ में, तो फिर इंशाल्लाह भी ये है कि आप सब ने ये समझना है, जो मसाइल वगैरह है वो कम से कम 3 मरतबा पढ़ के समझने हैं कि क्या मसला बयान हुआ है, ठीक है। कुछ बातें जुबानी याद करनी है, कुछ सिर्फ समझनी है, इंशाल्लाह मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। अभी फिलहाल आप समझ लें, समझ लिया करें इसको। तो ये लास्ट टाइम आपने ये बेशते तालीमुल इस्लाम का मुताला किया होगा, जिन्होंने मुताला किया तो इसमें उन्होंने देखा कि नमाज का तरीका बयान हुआ नमाज पढ़ने का, और ये नमाज पढ़ने का तरीका जो है ये मर्दों का तरीका है। नमाज पढ़ने का जो तरीका यहाँ बयान हुआ है ये मर्दों का है, ख्वातीन के नमाज पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ है इससे, ठीक है, ख्वातीन के नमाज पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ है। तो मैं इंशाल्लाह कल एक किताब का नाम आपको बता दूंगा जिससे आपने ख्वातीन की नमाज का तरीका मुताला करना है, ठीक है, ख्वातीन की नमाज का मुताला करना है इंशाल्लाह, ठीक है, कल फिर हमारी क्लास होगी। तो अभी फिल वक्त जिन्होंने तालीमुल इस्लाम पहले ऐसा मुताला नहीं किया वो मुताला कर लें, मुताला कर लें, ठीक है, जिनका रह गया कोई बात समझ नहीं आई वो पूछ लीजिएगा। ये तालीमुल इस्लाम हम मुताला कर रहे हैं, मुश्किल नहीं आसान है, तालीमुल इस्लाम हम मुताला, मुश्किल कोई बात होगी वो हम इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।